देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी ना सब्जी बनाने के लिए बहुत जल्दी रहती है और उसे हमें पकाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसे में मैंने क्या किया, देखिए गोभी को मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है, आलू को भी मैंने काट लिया था, देखिए इसका छिलका हटा के, और इसमें थोड़े मटर भी डालने हैं। ये मटर, आलू गोभी मटर को अपने जो है साइज़ जो आपको पसंद है पकाना है उतने मैंने पीसेस करके, इसको मैंने सिर्फ एक सीटी लगाई है, और जैसे एक सीटी पूरी हो गई मैंने उसकी प्रेशर निकाल दिया है, और इसको हम पानी से अलग कर देंगे। इसे अगर कुकर में ही रहने देंगे ना तो ये ज़्यादा कुक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करनी है। और ये देखिए, ये मैंने इसे इसमें से सारा पानी निकाल लिया है, और ये देखिए बहुत अच्छे से ये पक गई है, बहुत सॉफ्ट हो गई है। इसमें हल्का सा नमक डालकर, पानी में हल्का सा नमक डालकर पका ली, ज़्यादा नमक नहीं डालना। और ये देखिए, ये अपनी सब्जी ऑलरेडी कुक्ड है, अब बस मसाले फ्राई करने हैं और उसमें डालने। चलिए सब्जी बनाते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें डाल देंगे तेल। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे एक तेज पत्ता और दालचीनी। ये दालचीनी डाल दिया, अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा चटक गया है, डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भून लेंगे, देखिए प्याज हो गया है बढ़िया लाल। अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन की पेस्ट को बढ़िया फ्राई कर लेंगे। अब डाल देंगे इसमें प्याज का पेस्ट, ये एक चम्मच, ये दो चम्मच हमने प्याज का पेस्ट डाल दिया। इसे भी बढ़िया फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए। प्याज का पेस्ट अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, इसको अच्छे से पका लेंगे। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, आधा चम्मच सादा पाउडर है, सादा लाल मिर्च का पाउडर है, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, और स्वादानुसार नमक। ये करीब आधा मिनट इसको मसाले को तेल में भून लेंगे टमाटर के साथ ही। और अब डाल देंगे इसमें थोड़ा पानी, गैस की फ्लेम तेज रखनी है ताकि ये जल्दी पक जाए। देखिए इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, इसमें अच्छा उबाल आ गया है। अब इसमें ये अपनी सब्जी डाल देंगे जिसको हमने एक सीटी पका लिया है। ध्यान रखिए सब्जी पकी हुई है इसलिए इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बस एक दो बार ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि इसमें जो मसाला है इसको अच्छे से लग जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो इससे ये जो सब्जी है ये एकदम मैश हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा मैश नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा ये सब्जी, इसीलिए हमने सिर्फ एक सीटी पकाई है, एक सीटी से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाएंगे। ये लीजिए, ये हमने अच्छे से मिला दिया ताकि जो सारा मसाला है ना इन सब्जियों को अच्छे से कोट हो जाए।
ये देखिए ये मसाला सारा अच्छे से कोट हो गया है। अब हम इसको ये देखिए इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और इसको ढक कर रख देंगे बस 2 मिनट। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने प्याज टमाटर भुना, मसाले डाले और ये सब्जी डाल दी और बस 2 मिनट में आपकी सब्जी हो गई है तैयार। अब इसमें थोड़ा सा और ऊपर से हम गरम मसाला डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला हमने डाल दिया और अब इसको हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। और ये रही फ्रेंड्स एकदम झटपट 2 मिनट में पक जाने वाली आलू गोभी की बहुत ही टेस्टी सब्जी। ये देखिए फ्रेंड्स आलू गोभी मटर की गर्मा गर्म ये सब्जी बनके तैयार हो गई है, वो भी बहुत झटपट। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको लगता है तो आप इसे शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक आप स्वस्थ रहिए मस्त रहिए। नमस्कार। आलू गोभी मटर और आलू की भुजिया।